हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं चैनल पिपिटेक में। तो दोस्तों, एक आज की न्यूज़ निकल के आ रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से। कह सकते हैं जो आपके एग्जाम डेट शीट जारी हुई है, तो अभी यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी की गई है। तो किसकी डेट शीट जारी की गई, कह सकते हैं बीपीई थर्ड सेमेस्टर या आपका जो कह सकते हैं मेन एग्जाम की जो भी एमपीई की डेट शीट जारी हुई है, तो उसको आज बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से नोटिस अपडेट हो चुका है 1 ही तारीख में, जिस बच्चों के एग्जाम अपने चेक कर सकते हैं। लिस्ट अभी अपडेट हो चुकी है, जो आपके एडमिट कार्ड अभी जारी होने वाले हैं। तो पहले करेंगे डेट शीट के बाद में। अब जो एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे वो कुछ दिन पहले आपके हो जाते हैं, 1-2 दिन पहले एग्जाम से ही। बात करेंगे अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो दोस्तों उनके लिए है जो बीपीई एमपी के एग्जाम देने वाले हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, नोटिस आपकी डेट में अपडेट हो चुका है, तो मैंने ओपन किया हुआ है। और ओपन करना चाहते हैं आप क्लिक कर लें। क्लिक करने का आपको कैसे फोटो डालना होगा, तो जैसे देख सकते हैं मैंने पीए ओपन की हुई है। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन प्रोग्राम मैन कह सकते हैं, ओनली मैन ओनली बच्चे एग्जाम देंगे। इसमें बीपीई थर्ड ईयर यानी कि बीपीई थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उसके डेट शीट यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। कब से एग्जाम है, कितने कोड है, कैसे क्या मिलान करना है आपको। जैसे आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो आप मिलान भी कर सकते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर वालों को आपको ज़्यादातर मोस्टली पता ही होगा उनके सब्जेक्ट कौन कौन से कोड हैं, कितने कितने, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो एक एग्ज़ाम होने वाले हैं बीपीई की और सेकेंड देख सकते हैं एमपीई की इन सेकेंड ईयर, दोनों मोस्टली ज़्यादा आपके जो एग्ज़ाम है वो आपके 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। जो आपका पहला एग्ज़ाम हो दोस्तों 12 सितंबर का है, और मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एंड स्पोर्ट का, इसका यहाँ पर कोड दिया गया है। तो यानी कि आपको 300 का कोड यहाँ पर दिया गया है। टाइमिंग क्या दी गई, मात्र 2 घंटे के लिए टाइमिंग दी गई है। दोपहर का टाइम यहाँ पर 2:30 बजे से यहाँ पर आपको 4:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम दिया गया है। 2 घंटे में आपको दोस्तों एग्ज़ाम करना होगा। यहाँ पर कितने एग्ज़ाम को देने गए हैं देख सकते हैं, यहाँ पर 6 एग्ज़ाम आपको यहाँ पर देने होंगे। 12 से लेकर 18 तक आपके मात्र 8 दिन में आपके पेपर समाप्त हो जाएंगे, यानी कि 1 दिन का आपको गैप मिला हुआ है एग्ज़ाम में। कोड यहाँ पर देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट यहाँ पर मिला लेंगे। फाउंडेशन फिजिकल एजुकेशन का है, ग्रेविटी फिजिकल एजुकेशन का है, तो कोड आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये जो डेट शीट है 2020 सितंबर की बीपी थर्ड ईयर की दी गई है। नीचे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो डेट शीट यहाँ पर जो नहीं जारी हुई है ये दोस्तों, ये भी चौधरी चंद्र की तरफ से एजुकेशन प्रोग्राम ओनली मैन वालों के लिए, बैक वालों के लिए नहीं है, एक्स वालों को किसी के लिए नहीं है, केवल एमपी सेकेंड ईयर की दी गई है। तो दोस्तों इसमें भी जब कुछ एग्जाम होंगे वो 12 से लेकर 19 तारीख में एग्जाम कराए जाएंगे। अप्लाई स्टेटिक कह सकते हैं, इसमें पहला एग्जाम को दिया गया है 12 तारीख में, और जिसका कोड दिया गया है 221 में कोड दिया गया है। मात्र इसमें भी 2 घंटे का आपको एग्जाम दिया गया है, यानी कि जो आपका टाइमिंग होगी दोस्तों वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दी गई है। तो मिलान दोस्तों आप करना चाहते हैं, आपका पहला पेपर कौन सी तारीख में, कैसा तारीख में, जब आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा दोस्तों, तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद तुरंत आप चेक कर सकते हैं। तो कौन से कोड के यहाँ पर मिला लेंगे, आपका 206 कोड आपको शुरू में दिया गया है तो आपका 18 तारीख में होगा। अगर 201 कोड पहले आपको दिया गया है तो आपका पहले 12 तारीख में एग्जाम देना होगा। तो दोनों ऑफिशियल दोस्तों साइट आपको दी गई है, बहुत अच्छे से तरीके चेक कर लेंगे। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एवरी डे आपको न्यू अपडेट मिलती रहती है वीडियो के माध्यम से ही। कुछ समस्या आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी जगह चैनल दोस्त पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। जैसे कोई अपडेट मिलेगी तो दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, और नई जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।